One of the top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. अपने दृष्टिकोण से भी यानी पुलिस के दृष्टिकोण से भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है या विभिन्न थानों में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपराधिक मामले पंजीकृत हो उनकी सूची प्लस जो दूसरा डीएम साहब ने एक जिक्र किया था शस्त्र लाइसेंस भी उनके रिव्यू किए जाएंगे अगर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस कैटेगरी में हैं तो उनको भी रिव्यू करके अगर उनके कैंसिलेशन की आवश्यकता है तो कैंसिलेशन की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को पुलिस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। बाकी शेष जो बहुत सारी चीज़ें जो लीगल पार्ट्स थे जो अलग अलग प्रोसेस थे वो जिलाधिकारी महोदय ने काफ़ी विस्तृत रूप में आप लोगों को बताया है। पुलिस के पार्ट पर मेन फोकस हम लोगों का रहेगा जो आइडेंटिफिकेशन जिन लोगों का हुआ है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड शस्त्र लाइसेंस कैरेक्टर वेरिफिकेशन या जो पुलिस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको रिव्यू करना। इसके अलावा जो हम लोगों के भी नॉलेज में पुलिस के माध्यम से जो ऐसे लोगों के नाम आते हैं उसको भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय को संज्ञान में ला के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है जो जरूरी नहीं कि किसी विभाग के भूल पे ही कब्जा किया हो। यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति की जमीन पे भी कुछ ऐसे लोग जो प्रोफेशनल तरीके से कब्जा कर रहे हैं तो उन लोगों के हम लोग द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे लोगों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा प्लस उनसे जुड़ी हुई जो और चीज़ें हैं उदाहरण के तौर पर शस्त्र लाइसेंस यदि है तो उनको कैंसिल करने पर विचार किया जाएगा। कैरेक्टर वेरिफिकेशन यदि है उसको रिव्यू किया जाएगा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है उस पर हम लोग प्राधिकरण द्वारा पहले भी कई बार क्या कहते हैं FIR दर्ज कराई गई है कई साल हो गए उनमें कार्रवाई नहीं हुई है उनको ऐसे कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। अगर कुछ ऐसे दर्ज कराएंगे तो मैं उसको रिव्यू करूँगा उसमें अगर पाए गए तो अवश्य उसमें चार्जशीट उनको भी रिव्यू करूँगा।